Hello ladies and gentlemen, Namaskar, Sasikal, Salam. this is Amit Kapoor. दोस्तों आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं मंथली प्रडिक्शन मंथ ऑफ दिसंबर 2022 की जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी प्रोडिक्शन आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं आपके सन साइन या आपके मून साइन से मेरी प्रडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है सिर्फ अपने असेंडेंस साइन यानी कि लगन राशि को अपने माइंड में रखें मेरे वीडियोज को सुने यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग मंथ एंड यू कैन मेक योर लाइफ ईजी एंड बेटर सो लेट्स टॉक अबाउट जेमनी असेंडेंस मिथुन लगन के लिए पहले बात करेंगे मिक्स की देखें जो आपके लगन के लॉर्ड हैं बुद्ध देवता वो 2 दिसंबर को अपना साइन चेंज कर रहे हैं 2 दिसंबर तक यानी 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को वो रहेंगे स्कॉर्पियो साइन में आपके 6th हाउस में 2 दिसंबर से लेकर मंथ एंड तक वो रहेंगे आपके 7th हाउस में सेटेरियस साइन में 5 दिसंबर तक शुक्र भी जो है वो 8th हाउस में है पांच दिसंबर के बाद शुक्र भी आपके सेवंथ हाउस में आ जाएंगे और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा लग्नेश और पंचमेश की युति हो जाएगी और उनकी लगन पर दृष्टि होगी क्या कहना मंगल जो हैं वो आपके लिए वक्री रहेंगे आपके ट्वेल्थ हाउस में और बृहस्पति जो हैं वो मार्गी रहेंगे आपके लिए आपके टेंथ हाउस में सारा महीना शनि जो है वो भी मार्गी रहेंगे आपके एट्थ हाउस में राहू केतु जो हैं राहू एरिस में है आपको पता है और केतु जो है वो लिब्रा साइन में गोचर कर रहे हैं जैसे कि आपको पता है तो सारा महीना राहू और केतु एरिस और लिब्रा में ही गोचर करेंगे सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की देखें हेल्थ को लेकर ये महीना कुछ ज़्यादा बैड इंडिकेशंस नहीं दे रहा इवन अगर कुछ प्रॉब्लम्स पास्ट मंथ में चल रही थी तो वो रिसॉल्व होंगी यू विल फील मच बेटर एंड रिलैक्स रिलेटेड टू येल्थ खास करके दो दिसंबर और पाँच दिसंबर के बाद आपकी परेशानियों का हल निकलना शुरू होगा जो 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 आपके हेल्थ से रिलेटेड है अगर आपको किसी किस्म की भी कोई हेल्थ रिलेटेड दिक्कत है या आपको स्टमक रिलेटेड दिक्कत है बैक बॉन रिलेटेड दिक्कत है या नीज रिलेटेड ट्रबल है तो पांच दिसंबर के बाद आपकी परेशानी का हल निकलना शुरू होगा अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की बिजनेस और फाइनेंस को लेकर यह महीना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स लेकर आ रहा है बृहस्पति टेंथ हाउस में मार्गी हो चुके हैं ऊपर से शुक्र और बुद्ध का लक्ष्मी नारायण योग आपके सेवेंथ हाउस में होगा 16-17 दिसंबर को सूर्य भी आपके सेवेंथ हाउस पे ट्रांजिट करेंगे और इन तीनों प्लैनेट का आस्पेक्ट आपके लगन पे होगा देखिए लगन लॉर्ड सेवन हाउस में होने की वजह से यू विल गेट लॉट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज काम काज करने की अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेंगी स्पाउस के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी आपका जिसको बोलते हैं बिजनेस एसोसिएट्स के साथ आपके टाइप बहुत अच्छे हो जाएंगे बिजनेस पार्टनर आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी From multiple sources of earning, your daily income will rise. You will enjoy a lot of comforts and a lot of peace of mind. This whole time, Germany, you will be sky high. You will enjoy a lot of comforts. Lot of resources are there, and your enemies are not able to stand in front of you. You will enjoy all-around success. जितना ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखें रखेंगे जितना ज्यादा अपनी फैमिली की ब्लेसिंग्स लेंगे जितना ज़्यादा अपनी भुआ जी की अपनी मासी की अपनी सिस्टर इन ला की अपनी सिस्टर की ब्लेसिंग्स लेंगे उतना ज्यादा ये मंथ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा रिवार्ड्स लेकर आएगा आपके रुके हुए काम बनते जाएंगे देखिए पाँच दिसंबर के बाद आपकी गेम चेंज होगी जब लक्ष्मी नारायण योग आपके सप्तम भाव में होगा अगर आप आपका बिजनेस आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा था तो पाँच दिसंबर के बाद आपका बिज़नेस आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा अगर आप किसी पार्टनर की वेट में थे या किसी पार्टनर को ढूंढ रहे थे कि कोई आपके साथ इन्वेस्टमेंट करे या आपके साथ बिजनेस करे तो पाँच दिसंबर के बाद कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला है वैसे ही सत्रह जनवरी बीस को शनि का गोचर नाइन्थ हाउस में होगा तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा तो जो बदलाव आएगा वो पैटर्न अगर अभी से चेंज होगा तभी बदलाव आएगा तो आप ये समझ के चले कि मंथ ऑफ द दिसंबर विल बी अ बिगेस्ट गेम चेंजर मंथ फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ अगर आप अनमेरिड है तो इस महीने में आपकी शादी हो सकती है रिश्ता पक्का हो सकता है अफेयर है तो भी वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड पीस ऑफ माइंड इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ एज़ वेल एज प्रोफेशनल लाइफ अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके स्पाउस आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे आपके स्पाउस के साथ आपके टाइप बड़े अच्छे हो जाएंगे बिजनेस एसोसिएट्स आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे हो सकता है कोई बिजनेस पार्टनर आपको ऐसा मिल जाए जो विदेश से हो और आपको आपके साथ कुछ पार्टनरशिप बहुत अच्छे लेवल की करे जिससे आप बड़े हो फाइनेंस की इस महीने कोई कमी नहीं आएगी गुरुदेव में है दृष्टिया सेकंड हाउस आपको मुक्ति मिलेगी आपके सामने ना ले पाएंगे नौकर चाकर में इजाफा होगा नई गाड़ी आप बाय कर सकते हैं नया घर आप बाय कर सकते हैं यू लॉट ऑफ माइंड ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यूजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स इस सारे समय में सेविंग्स आपकी राइज होंगी इस सारे समय में फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी स्पाउस की सपोर्ट आपको मिलेगी वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं स्पिरिचुअल गुरु हैं या किसी किस्म के एस्ट्रोलॉजर हैं या किसी किस्म के टीचर या लेक्चरर हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है आपके आपके जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है अगर आप काउंसलर हैं या किसी किस्म का कंसल्टेंसी का आपका काम है तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है ये सारा टाइम आपके लिए सेविंग्स आपकी राइज होंगी गुड ग्रोथ आपको मिलेगी लेकिन आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा ऑनेस्टी आपको बहुत ज्यादा दिखानी पड़ेगी क्योंकि शनि अभी भी अष्टम भाव में आपके चल रहे हैं आपके लगन से हाउस में तो यह सारा समय जितना ज्यादा हार्डवर्क कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट हार्डवर्क करते जाए रिजल्ट लेते जाए अगर रिजल्ट चाहते हैं मंथ ऑफ दिसंबर में तो एफर्ट्स लगाए परफॉर्म करें ऑनेस्टी का दामन पकड़ें किसी को चीट ना करें किसी के साथ धोखा ना करें ब्लेंडर ना करें तो यह महीना आपके बहुत अच्छी गेम चेंजर थिंग्स लेकर आ रहा है स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ यूअर मेकिंग मनी इन द टर्म्स ऑफ यूर प्रोफेशन लाइफ इन द टर्म्स ऑफ यूर पर्सनल लाइफ यू विल इन्जॉय लॉट ऑफ कम्फर्ट लॉट ऑफ राइजिंग एंड लॉट ऑफ मनी यू विल आर्न इन मंथ ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये बीस सौ बाईस का जो यू नो आ, लास्ट मंथ है दिसंबर आपके लिए हर एक तरह से खुशखबरी लेकर आ रहा है जिसमें आपको फाइनेंशियल गेंस बहुत अच्छे रहेंगे आपकी इच्छा के मुताबिक आपको लग्जरी लाइफ मिलेगी आपकी इच्छा के मुताबिक आपको कोई बिजनेस पार्टनर मिल सकता है आपकी इच्छा के मुताबिक आपकी लव लाइफ चलेगी अगर अगर आप सिंगल हैं तो आपका अफेयर स्टार्ट हो जाएगा अगर ऑलरेडी अफेयर में है या, या लिविंग रिलेशनशिप में है तो वो शादी में कन्वर्ट 100 परसेंट होगा अगर दशाएं आपके ऊपर सपोर्टिंग चल रही है अगर बुद्ध या शुक्र की दशा है महादशा या अंतरदशा है तो क्या कहने ये सारा समय गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे और आप भी बल्ले बल्ले होगी जैमिनी इस समय का एडवांटेज उठाएं किसी के साथ झूठ ना बोलें फॉल्स कमिटमेंट किसी को ना दें किसी के साथ ब्लेंडर ना करें किसी के साथ फ्रॉड ना करें लेन देन में कम्युनिकेशंस के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें अगर किसी के साथ कोई दिक्कत है कोई लेन देन की दिक्कत है या पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है किसी की आपके ऊपर कोई राहु या केतु की दशा चल रही है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो कम्युनिकेशंस के थ्रू उस प्रॉब्लम्स का हल आप निकालें तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अल्टीमेट रहेगा मंथ ऑफ दिसंबर में जितनी ज़्यादा गणेश भगवान की उपासना करेंगे ओम गण गणपत आये नम ओम गण गणपत आये नम ओम गण गणपत आये नम ओम गण गणपत आय नम ओम गण आए नमा मिनिमम वन हंड्रेड एट टाइम मैक्सिमम वन हंड्रेड फिफ्टी वन टाइम जितनी ज़्यादा गणेश भगवान की उपासना करेंगे गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा रुके हुए काम आपके बनेंगे पॉजिटिविटी माइंड में रहेगी फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा लेकिन एक चीज़ और ध्यान रख के चलें कि सैटरडे वाले दिन गरीब लोगों को के को चैरिटी जरूर दें कुछ खाना बनाकर गरीब लोगों को खाना खिलाएं सैटरडे वाले दिन जैसे आप बोल सकते हैं मिस्सी रोटी बनाकर साथ में दही गरीब लोगों के बीच में बांटें जितना ज्यादा आप सैटरडे वाले दिन चैरिटी करेंगे उतना ज्यादा शनि का जो ढैया एट्थ हाउस में आपका लगा हुआ है आपके जो नेगेटिव प्रभाव हैं या जो डिलेज हैं आपके काम में उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा अनएम्प्लॉयड है तो जॉब मिलने के चांसेस हंड्रेड परसेंट हैं पाँच दिसंबर के बाद सत्रह दिसंबर के बाद तो ये और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे जब सूर्य आपके सप्तम सप्तम भाव में जाएंगे लेकिन सत्रह दिसंबर के बाद अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा सत्रह दिसंबर के बाद ना करें स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न हो सकती है या स्पाउस के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है जैमि यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट यूयर हेल्थ आफ्टर सेवन दिसंबर एज वेल एज वाउस हेल्थ अपने रिश्ते को किसी भी कीमत पे ख़राब ना होने दें किसी के पीछे बिल्कुल ना लगे अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो ये महीना आपके लिए प्रोस्पैरिटी लेकर आ रहा है मनी लेकर आ रहा है रिश्ता लेकर आ रहा है शादी लेकर आ रहा है घर में खुशखबरी लेकर आ रहा है बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स रहेंगी आपका शौर्य बढ़ेगा आपकी गुडविल बढ़ेगी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी गणेश भगवान की उपासना करते रहें जितना ज़्यादा गणेश चालीसा पढ़ेंगे जितना ज़्यादा ओम गण फताह नमक का मंत्र जाप करेंगे गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा ट्राई टू वेयर वन आ, यू नो आ, एमरल्ड राइट हैंड लिटिल फिंगर इन गोल्ड Uh, सोने में आप uh, एक पन्ना मड़वा कर राइट हैंड की लिटिल फिंगर में आप डालें किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से एडवाइज लें कि किस विधि के साथ उस uh, स्टोन्स को आपने धारण करना है किस समय धारण करना है किस दिन शुक्ल पक्ष का किस दिन बुधवार को धारण करना है क्या टाइमिंग होनी चाहिए क्या मंत्र जाप होना चाहिए किस तरह से उस स्टोन को शुद्धिकरण करना है तो ये सारी चीजें आप यू नो उस किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके जान सकते हैं और लेकिन पन्ना जरूर डालें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपका गुड फॉर्चून स्माइल करेगा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में इजाफा होगा हेल्थ आपकी बेटर हो जाएगी फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे आपके टाइप लोगों के साथ बड़े अच्छे होंगे कम्युनिकेशंस के थ्रू आप बड़ा अच्छा बिजनेस मार्केट से मंथ ऑफ दिसंबर

तो देखें ये जो टाइम फ्रेम है सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है एसिडिटी रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है गैस एसिडिटी आपको परेशान कर सकती है माइंड आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा लेज़ीनेस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी कोई भी काम करने से पहले आप बड़े लेजी बन जाएंगे कल करता हूँ आज करता हूँ अभी करता हूँ कब करता हूँ करूँ कि ना करूँ कन्फ्यूज़न जो है आपके दिमाग पर हावी हो जाएगी और उस तरह के रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे जैसे आप चाहते हैं यू नीड टू बी केयरफुल अपने आप को लेज़ी बिल्कुल ना होने दें योगा या जिम जरूर ज्वाइन करें अदरवाइज़ आपको डायबिटीज़ हो सकती है अदरवाइज़ आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आपके अराइज हो सकते हैं स्पाउस के साथ बहुत केयरफुल होकर चलें स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें कम्युनिकेशन के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ना कि प्रॉब्लम्स को बढ़ाएं देखें प्रॉब्लम्स को बढ़ाना एक मिनट का काम है लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कई बार सदियां बीत जाती हैं रिश्ते खराब हो जाते हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढें ना कि प्रॉब्लम को बढ़ाने का कोई कारण ढूंढें so, सो जितना ज्यादा आग में पानी डालेंगे उतना ज्यादा यह महीना आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की अनएक्सपेक्टेड गेंस आपको इस महीने देखने को मिलेंगे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर आपने किसी किस्म में इंट्राडे में इन्वेस्टमेंट करते हैं बिट क्वाइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस महीने अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेंस आपको देखने को मिलेंगे कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी अगर लंबे समय से कोई कर्जा चला आ रहा है तो 5 दिसंबर के बाद या सत्रह दिसंबर के बाद आपको उस कर्जे से मुक्ति मिलेगी आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी लेकिन स्किन रिलेटेड ट्रबल का ध्यान रख के चलें क्योंकि सूर्य शुक्र की युति हो रखी है आपके सिक्स हाउस में स्किन रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है लेकिन ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम घबराने वाली नहीं है खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीस पे आप जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए मौज मस्ती के लिए क्योंकि सूर्य बुद्ध और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके ट्वेल्थ हाउस पे है मौज मस्ती पे पैसा खर्च होगा घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है थोड़ा केयरफुल होकर के चलें अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें खर्चा थोड़ा सा इस महीने आपकी इनकम से ज़्यादा रहेगा जिस वजह से आप इरीटेशन फील करेंगे बट ओवरऑल फाइनांस की कोई कमी इस महीने आती हुई मुझे नहीं दिखती इवन ओल्ड इन्वेस्टमेंट गिव्यू फ्रूटफुलेंस और इस महीने में आपकी इज्जत में इजाफा होगा हेल्थ आपकी बेटर हो जाएगी और खास करके सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए बहुत अच्छे एडवांटेज लेकर आएगा इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी खास करके जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं उनके लिए कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है या फॉरेन ट्रांजेक्शन्स विल मेक यू हैप्पी या आप अपने बिजनेस के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं क्योंकि गुरु उधर नाइन्थ हाउस में है और सूर्य बुद्ध और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके ट्वेल्थ हाउस पे है तो फॉरन ट्रेवल्स तो मंथ ऑफ दिसंबर में डेफ़िनेटली है चाहे वो घूमने फिरने के लिए जाएँ चाहे आप बिज़नेस के लिए जाएँ लेकिन फ़ॉरन जर्नी आपकी कन्फर्म है आपने पी अप्लाई कर रखा है वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है या वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो ये महीना आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है कम्युनिकेशन के थ्रू आपको गुड न्यूज़ मिलेगी जिससे आपको पीआर मिल सकती है वर्क परमिट मिल सकता है या फॉरेन रिलेटेड कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील करेंगे ये सारा महीना कैंसर आपके लिए फ़ाइनांस को लेकर अल्टीमेट रहेगा आपकी हेल्थ को लेकर अल्टीमेट अल्टीमेट रहेगा लेकिन स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें बिजनेस पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें जेलस uh, किसी से ना हो या आप कुछ ऐसा काम ना करें जिससे वेल विशर्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो या आपका दिमाग परेशान हो या आप स्ट्रेस में जाएँ वैसे तो गुरु नाइन्थ हाउस में है और उनकी पंचम दृष्टि लगन पर होने की वजह से किसी किस्म की भी कोई मेजर प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड मुझे बनती हुई नहीं दिखती इवन पार्टनर्स आपको मिलेंगे अनमेरिड हैं तो आपको कोई लव लाइफ आपकी एक्टिव हो सकती है अफेयर स्टार्ट हो सकता है खास करके पाँच दिसंबर से पहले पहले क्योंकि शुक्र बुध के ऊपर गुरु की मंथ स्टार्ट पे नवम आस्पेक्ट है तो यहां पर मुझे पूर्ण तौर से यह दिखता है कि आपका कोई अफेयर स्टार्ट होगा यू मे अट्रैक्ट फ्रॉम सम वन और सम वन मे अट्रैक्ट फ्रॉम योर साइड दिस विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम पांच दिसंबर से पहले अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिले अपनी लाइफ को सेटल करने की तो उसको हाथ से जाने ना दें क्योंकि पाँच दिसंबर के बाद जैसे ही शुक्र सिक्स हाउस में चले जाएंगे गुरु की दृष्टि शुक्र से हट जाएगी तो कुछ स्ट्रगल का सामना आपको पर्सनल लाइफ में फेस करना पड़ेगा भगवान शिव की उपासना इस महीने जरूर करें ओम नमः शिवाय 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 का मंत्र जाप करें मिनिमम एक सौ आठ बार मैक्सिमम एक सौ इक्यावन बार द मोर यू चैंड दिस मंत्र द मोर यू फील मैजिक इन योर लाइफ ध्वनि पैदा करें ध्वनि पैदा करें पॉजिटिविटी पैदा करें और इस इस शब्दों को इस इस मंत्र को जितना ज़्यादा लाउडली बोलेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग की नेगेटिविटी ख़त्म होगी और आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी ओम नमः शिवाय का मतलब बहुत बड़ा है इस पर मैं अपना एक अलग वीडियो बनाऊँगा लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब भी कोई संकट आए या जब भी कोई परेशानी आए आपका दिमाग डिस्टर्ब हो आपके अंदर टेंशन आए नेगेटिव एनर्जी आए आपको गुस्सा आए तो सिर्फ ओम नम शिवाय का मंत्र जाप ही आपको उस परेशानी का से निकाल सकता है मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख के चलें सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में ओवरऑल 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें हर रोज सुबह और हर रोज रात को जितना ज्यादा भगवान शिव की उपासना करेंगे उतना ज्यादा गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा हनुमान चालीसा रात को पढ़ें शिव चालीसा रात को पढ़ें और सुबह पढ़ें जितना ज़्यादा भगवान शिव और भगवान हनुमान जी की उपासना करेंगे आपके रुके हुए काम बनते जाएंगे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी आपके मदर की हेल्थ अच्छी रहेगी फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी आपके बिजनेस से आपको अच्छे खासे रिसोर्स मिलेंगे आपके बिजनेस से आपको अच्छी खासी इनकम रहेगी मंगल आपके आपके हाउस में वक्री है आपके, समझ गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स टाइम टू मेकिंग मनी यू मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग इफ यू आर अंडर मार्स महादशा और अंतरदशा यू विल डेफिनेटली रॉक एंड स्काई हाई दिस विल बी अल्टीमेट मंथ फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी अगर आप किसी मार्केटिंग का काम करते हैं बैंकिंग का काम करते हैं या आप किसी किस्म के बिजनेस मैन हैं या प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं या आप किसी किस्म का भी कोई जिसको हम बोलते हैं कि आ, बिल्डिंग मटीरियल का काम करते हैं कंस्ट्रक्टर हैं या आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो यह महीना आपके लिए अच्छा ऑर्डर ले

पंचमेश इलेवंथ हाउस में है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जो ये तीन ग्यारह का योग है पंचम नवम के ग्रहों का ये आपके लिए जितनी ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे हार्डवर्क करेंगे जितना ज़्यादा परफॉर्मेंस देंगे बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा रुके हुए काम आपके बनेंगे और आपकी लव लाइफ एक्टिव हो जाएगी आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी स्पाउस के साथ तालमेल अच्छे रहेंगे किड्स के साथ आपके अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस महीने आप हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरन जा सकते हैं या आपको कोई वीज़ा फ़ॉरन में किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकती है या किसी किस्म का कोई फॉरन काम आपका एक्टिव हो सकता है क्योंकि तो मंगल की दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस पे है जो एजुकेशन का हाउस है जो क्रिएटिविटी का हाउस है अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं अगर आप आर्टिस्ट हैं अगर आप बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर हैं या आप सिंगर हैं तो दिस विल बी अ फंटास टाइम फॉर यू अगर आप किसी किस्म का कोई प्रॉपर्टी का, का काम करते हैं तो भी आपको लाभ होगा यानी कि ये सारा टाइम फ्रेम दिसंबर मंथ आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर है इन द मंथ ऑफ मेकिंग मनी कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका गुड फॉर्चून स्माइल करेगा चैरिटी आप करेंगे धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पे आप जा सकते हैं घूमने फिरने पे, मौज मस्ती पे, आप अच्छा खासा पैसा सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में लगाएंगे सो so गाइस इस महीने का एंजॉय करें आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड स्टे कूल मैन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो नमस्कार सत श्रीकाल सलाम जय हिंद